खास है 100 साल में। बहुत से अनोखे आर्टिस्ट है जो धीरे धीरे दुनिया में अब उनका रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। गायतोंडे, हुसैन, रजा, सूजा, बर्वे, बाबा, अकबर पदमसी, स्वामीनाथन, गणेश पाइन, राम कुमार, जॉर्ज कीट, भूपेन कक्कड़, आप देख रहे हो, निकोलस वोविक, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, साइलोस मुखर्जी, ये सारे नेशनल आर्ट ट्रेजर्स भी है। और अब धीरे धीरे इनका जो समझ आ रही है लोगों को कि ये हमारे हेरिटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इनका जो काम है ये खाली एक एक्सक्लूसिव काम नहीं है, इनमें जो देश ने सवाल पूछे हैं 100 साल में कि आदमी की प्रॉब्लम्स क्या है, ऑन रूरल लाइफ, ऑन अडल्टरी, ऑन फैमिली लाइफ, ऑन लैंडस्केप, ऑन पीस, ऑन वायलेंस, ऑन लव, ऑन द नेचर, ऑन एब्स्ट्रैक्शन, ऑल द क्वेश्चंस, जो सारे सवाल आम आदमी पूछते हैं वही सवाल आर्टिस्ट पूछता है। लेकिन आर्टिस्ट का उसको जवाब देने का तरीका अनोखा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा एजुकेशन कम है, एक्सेस कम है, ये इनजस्टिस ज़्यादा हो गई है कि जो कॉमन मैन, मिडिल क्लास है, वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, खाली इलीट और एक्सक्लूसिव लोगों के लिए है। उसको बदलने के लिए 20 साल हमने बहुत ही कोशिश की है और धीरे धीरे एटीट्यूड बदल रहा है। इसलिए हमने फिल्म मेमोरबिलिया को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि फिल्म का जो पोस्टर्स है, आर्ट है, फोटोग्राफिक स्टिल्स, शो कार्ड्स, ये आम आदमी से ही बना हुआ है। उनका सोचने का तरीका कि हमने कल आज और कल का पोस्टर देखते हैं, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, बबीता, एक तो मन में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या सोच आती है। जब कोई जुबेदा में ये खालिद मोहम्मद ने बनाया था, ये शाहरुख ने कभी पेरिस के लिए बनाया था, वो राम और श्याम के आर्ट वर्क्स है, सिलसिला का 6 शीटर हो, हुसैन का 1961 का काम हो, राम कुमार का 72 का काम हो, इनका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं। तो ये सोचने का बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी सोचे कि ये हमारा इतिहास का हिस्सा है। इतिहास हमारी आइडेंटिटी बनाती है। हम जो देश के सोचते हैं कि हम इस मज़हब से है, इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अंदर का जो कलाकार है सब में है, सब में वो क्रिएटिव एनर्जी है, सब में वो कुछ बनाने का एनर्जी या इंटेलेक्ट है, उसको क्यों नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम पूछते हैं कि गरीबी कैसे हटाते हैं, गरीबी एक ही चीज़ से हटती है, जब आदमी का अंदर का क्रिएटिविटी बाहर आता है। लेकिन हमारा जो सारा क्रिएटिव सिस्टम है देश में वो बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल बर्बादी से मरा हुआ है। उसे करप्शन है, मन का करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है। आप अपने मॉन्यूमेंट्स को देख लो, 36,000 मॉन्यूमेंट्स देश में है, सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स, हर मजहब का मॉन्यूमेंट, लेकिन क्या हो रहा है उनका। 100 मॉन्यूमेंट्स के लिए पैसा नहीं है, टूरिज्म के साथ मॉन्यूमेंट और भी खराब होता जा रहा है। तो ये सारा जो सिस्टम है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑक्शंस वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल वैल्यू देते हैं, वो फाइनेंशियल वैल्यू से इंडिपेंडेंस होता है, वो इंडिपेंडेंस से धीरे धीरे कल्चरल इम्पोर्टेंस बनती है और देश का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बदल सकता है। तो ये लार्जर इंटेंट है, लेकिन छोटा इंटेंट ये है कि आप ये बेचो, पैसा किसी को दो और आगे बढ़ो। लेकिन ये समझने के लिए 20 साल लग गए और अब देश आगे बढ़ रहा है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। और कुछ?